आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्यप सभा वार्ड नंबर 23 की तरफ से ये की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मकसद था आज का था वो था टोल प्लाज़ा, सरोट रोड टोल प्लाज़ा। वो टोल प्लाज़ा बिल्कुल ही वो नजायज़ ही लगा हुआ है, जब से लगा हुआ है वो बिल्कुल गलत और वो गलत लगा हुआ है। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो युवा राजपूत सभा को समर्थन की तरफ से थी। कश्यप सभा युवा राजपूत सभा को बिल्कुल समर्थन करती है, पूरे जम्मू के डोगरों को समर्थन करती है और जितनी भी उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। वो टोल प्लाज़ा बिल्कुल वहाँ से हटाया जाए, रोड की कंडीशन, पुल की कंडीशन बिल्कुल ही जो कहते हैं कि गंदे तरीके से वो रोड और पुल जो है अभी जो हालात हैं जिनके पर ये टोल की जो टोल पे टोल ये लगाए जा रहे हैं। दूसरी हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग थी स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर तो वो टोटली फॉल्टेड निकले। गवर्नर साहब हमारे ये जितने भी ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो जितना भी उनको फीडबैक दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। उनको जो उनको सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ पे लोगों का 3,000 या 2,000 बिल आ रहा था वहाँ पे 8,000-9,000 रुपया लोगों का बिजली के बिल बन गए। पूरा जम्मू रोड के ऊपर निकला हुआ है पर प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। कोई भी जितने भी ऑफिसर बाहर से आए हुए हैं या यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो ये नहीं चाहते कि जम्मू के लोग चुप रहे, वो यही चाहते हैं कि हालात ख़राब हो, क्योंकि कारण वही लोग हैं। युवा राजपूत सभा ने डिमांड रखी थी टोल प्लाज़ा की कि उसको हटाया जाए, पर प्रशासन की नींद अभी तक जो वो थी वो सोई हुई थी। उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। किस लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उनको अरेस्ट कर दिया? भूख हड़ताल पे हैं हमारे साथी वो। कश्यप सभा नेवस्ती बिल्कुल उनके साथ खड़ी है और पूरा हमारा वार्ड नंबर 23 की तरफ से मैं आज ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वो साथी हैं उनको अरेस्ट किया है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनकी जितनी भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द उनको समझा जाए और उनको पास किया जाए।